तो आपको बता दें कि जहां एक तरफ प्रियंका गांधी तैयार हैं और ये एक बड़ा मैसेज भेजा गया है और ये याद दिलाता है इंदिरा गांधी की, क्योंकि वो भी देश के नाम ऐसे ही अपने संदेश भेजा करती थी, लोग उनको सुनते थे और सुनकर रोमांचित होते थे, उत्साहित होते थे उनको देखने के लिए, उनको करीब से जानने के लिए। और प्रियंका गांधी जब शुरुआत कर रहे हैं तो वही रास्ता वो अख्तियार करते हुए दिखाई देते हैं। अब चलिए बात करते हैं केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की, जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर एक बार फिर से हमला बोला है। राठौड़ ने राहुल गांधी पर सेना के शहीद जवानों का अपमान करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी जी, आपको भारतीय सेना के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, लेकिन दिल्ली में बैठकर जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस खेलते हैं, उसमें आपने भारतीय सेना का और हमारे शहीदों का अपमान करा। मैंने सोशल मीडिया पे देखा। This 30,000 crores could be given to you when you die in a plane crash. When you die in a plane crash? ये आप हमारे शहीदों के लिए बात कर रहे हैं, हमारे सैनिकों के लिए बात कर रहे हैं? कोई भी साधारण व्यक्ति जो इस मिट्टी से जन्मा हो, इस संस्कृति को जानता हो, वो समझ सकता है कि सैनिकों का, शहीदों का सम्मान करा जाता है। और आपको मर्सनरीज और सैनिकों में फर्क तो पता ही होगा। उसमें मैं आपको डिक्शनरी से समझाता हूँ। मर्सनरी होते हैं वो जो किसी भी समूह, किसी भी देश के लिए पैसे के लिए लड़ते हैं। हमारे सैनिक किसी भी देश के लिए नहीं, भारत के लिए लड़ते हैं। हमारे सैनिक पैसों के लिए नहीं लड़ते, आत्मसम्मान, भारत की रक्षा और भारत के सम्मान के लिए लड़ते हैं। आप राजनीति करिए, लेकिन अपनी राजनीति में शहीदों का और सेना का अपमान मत करिए। और ये मैं एक सैनिक होने के नाते कह रहा हूं। अब क्या आपसे उम्मीद करी जा सकती? वहीं केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज अपने संसदीय क्षेत्र जयपुर ग्रामीण के दौरे पर रहे और सबसे पहले मंत्री राठौड़ ने शाहपुरा क्षेत्र के कुंभावास गांव में सरकारी स्कूल में सरस्वती प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत की और इसके बाद उन्होंने दादुका गांव में महात्मा ज्योति फुले की प्रतिमा का अनावरण किया। ज्योतिबा फुले की प्रतिमा का अनावरण किया और कोटपुतली में सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिरकत की। देखिए, भारत की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, गांव-गांव में बसने वाली ये शक्ति है जहाँ हम अपने से पहले समाज को रखते हैं, अपने से पहले देश को रखते हैं। इसी को जागृत करते रहना, यही हम सबका लक्ष्य रहना चाहिए। और आज जब गांव के अंदर इस तरह की मूर्तियाँ जब लगती हैं तो ये हम सबको याद दिलाती हैं कि हमें ऐसा बनना है और हर वक्त हमें इस तरह से काम करना है।